एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या था? कंटिन्यूअस। और सी कोई भी पॉइंट है सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, एफ सी इज नॉन जीरो, एफ सी इज नॉन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ एक्स एंड एफ सी हैव सेम साइन, ठीक है, एफ एक्स एंड एफ सी हैव सेम साइन, ये करवाया था, ठीक है। तो एफ सी अगर नॉन जीरो है तो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तब कह रहा है कि भाई कोई ना कोई डेल्टा ऐसा होगा, यानी कि सी का नेबरहुड आप बना सकते हो, सी के नेबरहुड के अंदर एफ की वैल्यू जब आप सी पर देखोगे, पॉइंट सी पर, तो उसका जो साइन आएगा वो ही फंक्शन का साइन होगा हर एक एक्स के लिए। सी के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट एक्स उठाइए, तब एफ एक्स और एफ सी के साइन हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, बोलजानो थ्योरम। बोलजानो थ्योरम, स्टेटमेंट लिखो फिर अपन इसको करते हैं प्रूफ। इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, आर ऑफ अपोजिट साइंस, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो, सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो। तो ये थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं अब, बोलजानो थ्योरम। क्या है इसके अंदर कि अगर कोई भी फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ए और एफ बी के साइन अपोजिट हैं, एफ ए और एफ बी के साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं। उस केस में ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के मध्य, यानी कि ओपन इंटरवल, यानी कि सी ए और बी के बराबर नहीं है, सी ओपन इंटरवल का पॉइंट है, कोई ना कोई पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो इस फंक्शन का रूट बनेगा, या इस फंक्शन में जब एक्स इक्वल टू सी आप लिख रहे हो तो एफ सी इक्वल टू किसके आ रहा है? जीरो के आ रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के हैं, यानी कि इनके साइन, अगर सपोज एफ ए पॉजिटिव है तब एफ बी नेगेटिव होगा, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? लेस देन जीरो। अगर इनके साइन अपोजिट हैं तब दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो होगा।
उस केस में आपको प्रूव ये करना है कि कोई ना कोई पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा होगा कि एफ सी इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। तो दोनों ही चीजें सेम है, चाहे एफ ए एफ बी को अपोजिट साइंस के लिखो, चाहे एफ ए एफ बी लेस देन जीरो लिखो। इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है तो एक तो इनमें से पॉजिटिव है, एक इनमें से नेगेटिव है। दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, अदरवाइज तो फिर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो इस थ्योरम का अपन को प्रूफ करना है। अब थ्योरम का प्रूफ करने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूं कि एफ कंटिन्यूअस दे रखा है इंटरवल ए बी पर, और एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के दे रखे हैं कि दोनों के साइन अपोजिट हैं। इस तरह से भाई ये अपने पास है, सपोज ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ए पॉइंट। यहां पर सपोज मैंने पॉइंट क्या ले लिया, बी। ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सपोज मैंने क्या ले ली, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ठीक है। और अगर f ऑफ b अपन लें, सपोज f ऑफ b यहां पर ले लिया b पर वैल्यू, और a से b तक आपने इसको मिला दिया, तो ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ग्राफ जीरो कब होगा भाई, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगी, y इक्वल टू किसके लेते हैं अपन, एफ एक्स के। तो फंक्शन जीरो कब होगा, जब y जीरो होगा। y जीरो कहां होगा, x एक्सिस पर, यानी कि फंक्शन का ग्राफ एक्स अक्ष को कट करना चाहिए। जहां पर एक्स अक्ष को वो कट करेगा वहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन ये तो कट नहीं कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, एफ ए को भी पॉजिटिव ले लिया है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू अपन लेते हैं, एफ ए भी पॉजिटिव है, यहां पर एफ बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना था, एफ ए और एफ बी को अपोजिट साइंस का। अगर एफ ए मैंने सपोज यहां ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव, और मान लेते हैं कि बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इधर मैंने ले ली एफ बी, एफ बी। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसको मिलाओगे, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। और जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसी पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, सी कह रहा हूं। और इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, यानी वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के हैं उस केस में, और फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब ऐसा नहीं होगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तब कम से कम एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ सी इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। तो ये तो एक तरह से ग्राफिकली अपन ने इस चीज को समझ लिया है। अब अपन इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली जो भी इसका प्रूफ है। तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसका प्रूफ। प्रूफ मान लेते हैं अपन, लेट लेट एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ बी इज लेस देन जीरो, ठीक है। एफ ए और एफ बी के साइन अपन को कैसे लेने, अपोजिट। तो एफ ए तो मैंने जीरो से क्या ले लिया, बड़ा। एफ बी मैंने जीरो से क्या ले लिया, छोटा, ठीक है, इस तरह से। एंड एंड डिफाइन ए सेट, डिफाइन ए सेट, एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं एस, एस इक्वल टू इस तरह से एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये एक सेट हमने डिफाइन कर दिया कि इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस इंटरवल के वो सब एलिमेंट्स आएंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी कि एक्स पर अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब एक्स एस का एलिमेंट होगा, अगर एफ एक्स लेस देन जीरो हो गया किसी पॉइंट पर तब वो पॉइंट एस का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, और इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, इस इंटरवल के। इस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन एफ पॉजिटिव हो सकता है, इस इंटरवल के कुछ पॉइंट पर फंक्शन एफ नेगेटिव हो सकता है। तो इस इंटरवल के वो पॉइंट हम सेट एस में ले रहे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन जीरो, या ये कहें पॉजिटिव है। क्लियरली क्लियरली एस इज सबसेट ऑफ ए बी, सेट एस इस इंटरवल का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि सेट एस में इसी इंटरवल के तो पॉइंट ले रहे हो, एक्स बाई इसी इंटरवल का तो पॉइंट है, लेकिन कौन सा एक्स, जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है,
यानी कि इसी इंटरवल में से कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो सारे पॉइंट्स एस एस के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब एस किसका सबसेट है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट है। और साथ ही आल्सो आल्सो ए पॉइंट पर देखिए आप, ए पॉइंट पर हम क्या ले रहे हैं, एफ ए मैं क्या मानकर चल रहा हूं, ग्रेटर देन जीरो। आल्सो एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज ए बिलोंगिंग टू एस, क्योंकि पॉइंट ए पर मैं फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं, पॉइंट बी पर मैंने फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो ली है। अगर ए पॉइंट पर फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है तब ए किसका एलिमेंट बनेगा, एस का, क्योंकि इस इंटरवल के वो सारे पॉइंट जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो किसके एलिमेंट बन रहे हैं, एस के एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ए बिलोंगिंग टू एस मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अगर ए एस का एलिमेंट है इसका मतलब एस के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, यानी एस क्या होगा, नॉन एम्प्टी। दिस इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी, एस इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट आपको मिल रहा है, इसलिए ये कभी भी अरिक्त या एम्प्टी नहीं होगा। ये अपने पास आ गया, ठीक है। साथ ही सेट एस आल्सो आल्सो सेट एस इज सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सो सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एस एग्जिस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इस इंटरवल का अगर सबसेट है तो ए और बी तो फाइनाइट नंबर है, एस के एलिमेंट सारे इनके अंदर ही आएंगे। इसका मतलब इस सेट का, सेट एस का सुप्रीमम, और क्योंकि बड़ा सेट कौन है यहां पर, ए बी, ए बी का सुप्रीमम और इन्फिमम कौन है, इन्फिमम तो ए है, सुप्रीमम बी है। तो जब बड़े वाले सेट का सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो सेट एस तो इसका सबसेट है, इसका भी सुप्रीमम और इन्फिमम निश्चित रूप से क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ सेट एस एग्जिस्ट। अब अपन इस रिजल्ट को सबसे पहले सुप्रीमम के लिए करेंगे और फिर सिमिलर वे में अपन उसको इन्फिमम के लिए भी कर सकते हैं। सुप्रीमम ऑफ सेट एस इक्वल टू सी, हमने मान लिया कि इस सेट एस का सुप्रीमम क्या है, सी। तब सुप्रीमम जो होगा इस सेट का, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ सेट एस इक्वल टू सी, और फंक्शन एफ एंड एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि सी इसी इंटरवल के अंदर आएगा, क्योंकि सी सेट एस का सुप्रीमम है, सेट एस का सुप्रीमम या इन्फिमम जो भी है, क्योंकि सेट एस तो इस बड़े वाले सेट के अंदर है तो सुप्रीमम और इन्फिमम भी इसी सेट के अंदर होगा, यानी कि सुप्रीमम या इन्फिमम जो भी आप लोगे वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो अगर फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तब इसके हर एक एलिमेंट पर कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट, प्रूव दैट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू बी। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो पॉइंट सी हम ले रहे हैं, सेट एस का सुप्रीमम जो हमने लिया है, वो ना तो ए के बराबर है ना ही बी के बराबर है। अगर ए और बी के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी में, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं हो सकता। सी ना ए के बराबर होगा ना ही बी के बराबर। तो सबसे पहले क्योंकि जो प्रूव करना है हमें उसमें सी किस इंटरवल में आ रहा है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो सी नॉट इक्वल टू ए, सी नॉट इक्वल टू बी, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये अपन प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट फर्स्ट टू प्रूव सी नॉट इक्वल टू ए, सब एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये हम मानकर चले एफ ए हमने क्या माना है, ग्रेटर देन जीरो, एफ बी हमने क्या माना है, लेस देन जीरो।
तो एफ ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दियर एग्जिस्ट, क्योंकि जो लास्ट थ्योरम हमने की थी उस थ्योरम को अब मैं यहां पर काम में लूंगा. इफ एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस इंप्लाइज दियर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल ए कोमा ए प्लस डेल्टा वन. ए कोमा ए प्लस डेल्टा वन क्यों लिखा इस तरह से वो आप समझिए, क्योंकि हमने जो पहले थ्योरम की थी उसी से मैं सारी चीज लिख रहा हूं. पहले क्या थ्योरम थी अपने पास कि अगर फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तब कोई ना कोई पॉइंट सी ओपन इंटरवल में इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि एफ एक्स और एफ सी के साइन बराबर होंगे. एफ एक्स और एफ सी के साइन क्या होंगे? सेम होंगे, जबकि एफ एक्स एफ सी को वहां जीरो नहीं होना चाहिए. तो एफ ए को मैं जीरो नहीं ले रहा हूं, एफ ए की वैल्यू मैंने क्या ली है? ग्रेटर देन जीरो, एक चीज, यानी कि एफ ए जीरो के बराबर नहीं है. तब क्या होगा? वहां क्या होता था, सी पॉइंट लेते थे, सी का नेबरहुड बनाते थे, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा. इस इंटरवल में एफ सी का और एफ एक्स का दोनों के साइन क्या होते थे? सेम होते थे. अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? ए पॉइंट. ए पॉइंट का जब नेबरहुड आप बनाओगे तो इस तरफ तो क्या आ गया? ए प्लस डेल्टा वन, ए प्लस डेल्टा वन. और इस तरफ जब आप जाओगे तो ए माइनस डेल्टा वन, लेकिन ए से कम पर तो आप जा ही नहीं सकते, तो इधर वाला पार्ट तो आपको शामिल ही नहीं करना, इधर वाला तो ठीक है, ये तो शामिल ही नहीं. यानी इंटरवल क्या बना? केवल ए से कहां तक? ए प्लस डेल्टा वन तक. तो ये जो ए की नेबरहुड बन रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है नेबरहुड में, ठीक है, तो केवल नेबरहुड क्या बनी? ए से लेकर कहां तक? ए प्लस डेल्टा वन से. नेबरहुड हम क्या लेते हैं? ओपन इंटरवल लेते हैं. यानी कि इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन का साइन वही होगा जो पॉइंट ए पर है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस. तो ए पर फंक्शन क्या है? एफ ए हमने क्या लिया है? ग्रेटर देन जीरो. तब मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि ए के नेबरहुड में, यानी ए से कहां तक? ए प्लस डेल्टा वन तक, अगर कोई भी एक्स लो तब इस एक्स पर फंक्शन का साइन वही होगा जो ए पर है. इसलिए मैंने क्या लिख दिया? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो ए के नेबरहुड में एफ एक्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो. ये मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है, ये अपने पास आ गया. एफ एक्स एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो और इस इंटरवल में एफ एक्स भी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज ए कोमा ए प्लस डेल्टा वन. अगर ये मैं क्लोज इंटरवल बनाऊं कहां से? ए से, और ए को भी मैंने शामिल किया, ए प्लस डेल्टा वन को भी शामिल किया. ये जो क्लोज इंटरवल बनेगा ये किसका सबसेट बनेगा? एस का. किसका सबसेट बनेगा? एस का. क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो. और जब भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी तब ये किसके अंदर होगा? देखो आप एस की डेफिनेशन, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब एक्स इस इंटरवल, तब एक्स किसका एलिमेंट होगा? एस का एलिमेंट होगा. तो यहां इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है. इसका मतलब ये जो इंटरवल बनेगा या इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे एस में भी होंगे, क्योंकि एस के अंदर यही तो आ रहे हैं इसी तरह के सारे पॉइंट इंटरवल ए बी के. इसलिए ये जो इंटरवल बन रहा है ए से ए प्लस डेल्टा वन, ये क्या बनेगा? एस का सबसेट बनेगा, इस सबसेट ऑफ एस. और ये अगर एस का सबसेट बन रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ सेट एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा वन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. भाई ये अगर इसका सबसेट है तब सेट एस का जो सुप्रीमम है वो इसके हर एक एलिमेंट से बड़ा ही होगा, क्योंकि सेट एस के हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा सुप्रीमम, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए इसके एलिमेंट से भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. और इसके एलिमेंट्स से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ए प्लस डेल्टा वन से भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू. यानी सुप्रीमम ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा वन. और यहां से लिख सकते हैं सी, क्योंकि एस का सुप्रीमम हमने किसको माना है? सी को.
सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा वन, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा वन, और मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन ए प्लस डेल्टा वन, क्योंकि डेल्टा वन क्या लेते हैं अपन, ग्रेटर देन जीरो, तो ए ए प्लस डेल्टा वन से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ए में आपने कुछ नंबर एड कर दिया है पॉजिटिव नंबर, इसलिए ए लेस देन है ए प्लस डेल्टा वन से, और ए प्लस डेल्टा वन क्या आ रहा है देखो, लेस देन इक्वल टू किस से, सी से, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी, तो ए सी से छोटा होगा, तो एक चीज यहां से प्रूव हो गई, सो सी इज नॉट इक्वल टू ए, ए जो यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं या सी जो कंसीडर कर रहे हैं वो हमेशा ए से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, ए से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि सी ए के बराबर तो नहीं है, एक केस तो मेरे पास ये हो गया। अब अपन सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्योंकि फर्स्ट वाले में तो मैंने क्या किया है, टू प्रूव सी नॉट इक्वल टू ए, अब मैं प्रूव करूंगा कि सी नॉट इक्वल टू बी, इसी में सेकंड टू प्रूव सी नॉट इक्वल टू बी, अब अपन देखेंगे कि सी और बी भी इक्वल नहीं है, सिंस एफ बी इज लेस देन जीरो, यह मानकर चले, क्योंकि शुरू में ही हमने लिया था कि भाई इस तरह का फंक्शन हमने कंसीडर किया है कि एफ ए तो क्या है ग्रेटर देन जीरो, एफ बी क्या है लेस देन जीरो, तो सिंस एफ बी इज लेस देन जीरो, तो एफ बी अगर लेस देन जीरो है तब मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दियर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज ऑल्सो लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस डेल्टा टू कोमा बी, क्यों लिख रहे हैं ये चीज, फिर से वही थ्योरम हम काम में ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, तब वो निश्चित रूप से इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और एफ बी बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या होगी एफ बी, और एफ बी किसके लेकर चल रहे हैं हम, लेस देन जीरो के, तो एफ बी अगर लेस देन जीरो है तो बी पॉइंट का जब नेबरहुड आप बनाओगे तो इधर तो नेबरहुड क्या बना बी माइनस डेल्टा टू, और इस तरफ जाओगे तो बी प्लस डेल्टा टू, लेकिन बी से राइट साइड में आप जा नहीं सकते, तो नेबरहुड केवल इतना बना बी माइनस डेल्टा टू से कहां तक बी तक, तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन का साइन वही होगा जो बी पर है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू बी पर लेस देन जीरो है तब एफ एक्स लेस देन जीरो होगा इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर, क्योंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, तो वो थ्योरम मैंने काम में ले ली, देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस डेल्टा टू टू बी, ठीक है, ये अपने पास आ गया। दिस इंप्लाइज ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में एस का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि अब देखो सेट एस क्या माना है अपन ने, सेट एस किसके बराबर माना था, सेट एक्स में वो सारे एक्स आ रहे हैं इस इंटरवल के पॉइंट सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये सेट एस हमने अज्यूम किया था, तो क्या इस इंटरवल में सेट एस का कोई पॉइंट आ सकता है, कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बी माइनस डेल्टा टू से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ रही है तो एक भी एक्स इसमें ऐसा नहीं होगा जिस पर ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एक भी पॉइंट इसमें एस का नहीं, यानी एस के जो पॉइंट्स हैं वो यहां से और यहां तक हो सकते हैं केवल बी तक, इसमें केवल किसके पॉइंट हो सकते हैं, एस के पॉइंट हो सकते हैं, तो एस के पॉइंट्स अगर केवल यहीं तक आ रहे हैं, ठीक है, अब इनमें से भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं इसमें, कुछ पॉइंट एस के बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि भाई एस के पॉइंट्स यहां से आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब बी माइनस डेल्टा टू से हर एक वैल्यू छोटी होगी जो एस में आएगी, यानी कि बी माइनस डेल्टा टू इस सेट एस का क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा, ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बी माइनस डेल्टा टू इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस, अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, क्योंकि b माइनस डेल्टा टू से आगे तो s का एलिमेंट कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां एफ एक्स क्या है लेस देन जीरो है, तो b माइनस डेल्टा टू सेट s का क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। दिस इंप्लाइज
बी माइनस डेल्टा टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्यों? क्योंकि सी क्या है? सुप्रीमम। बिकॉज सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू सी, सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू सी। तो सी का सुप्रीमम अगर एस है तब क्या होगा? सी क्या होगा? सुप्रीमम का मतलब क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा। तो सुप्रीमम भी क्या बनता है? अपर बाउंड। तो सी सुप्रीमम है तो ये भी अपर बाउंड है। बी माइनस डेल्टा टू ये भी सेट एस का अपर बाउंड बन रहा है, तो इनमें से छोटा कौन होगा? जो सुप्रीमम है, क्योंकि जितने भी अपर बाउंड्स बनते हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, लीस्ट है, उसको अपन क्या कहते हैं? सुप्रीमम। तो सुप्रीमम वाला छोटा होगा, यानी कि सी छोटा होगा किससे? बी माइनस डेल्टा टू से, या ये कहें कि बी माइनस डेल्टा टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसलिए मैंने ये चीज लिखी है, बी माइनस डेल्टा टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये मेरे पास आ गया। साथ ही इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज। इसी टर्म को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, सी क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू बी माइनस डेल्टा टू, और बी माइनस डेल्टा टू किससे छोटा होगा? बी से, क्योंकि बी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये वाली टर्म बी से छोटी होगी। और यहां से क्या आ गया मेरे पास? सी इज लेस देन बी, सी इज लेस देन बी, यानी कि सी बी से छोटा होगा, यानी कि सी बी के बराबर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाले केस में मैंने प्रूव कर दिया कि सी ए से बड़ा है, ठीक है, और सेकंड वाले केस में सी बी से छोटा आ रहा है, यानी कि सी ना तो ए के बराबर है ना ही सी बी के बराबर है। तो ये चीज हमारी प्रूव हो चुकी। सो फ्रॉम फ्रॉम केसेस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों केसेस से क्या आया था मेरे पास? सी ए से तो बड़ा आया था, ठीक है, सी ग्रेटर देन ए वहां पर आया था फर्स्ट वाले केस में। देखिए आप, फर्स्ट वाले केस में ए लेस देन सी आया था, ठीक है, ए लेस देन सी या सी ग्रेटर देन ए, ए लेस देन सी, और सी बी से छोटा आ रहा है, सी लेस देन बी। अगर सी ए और बी के मध्य में कहीं आ रहा है, इसका मतलब सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ये जो पॉइंट हमने लिया है सुप्रीमम किसका? सेट एस का, वो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। एक चीज अब हम प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। नाउ वी विल प्रूव, नाउ वी विल प्रूव दैट एफ सी इक्वल टू जीरो। अब हमें प्रूव करना है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पर क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। इसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन से कर देंगे, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो मान लिया कि एफ सी इज नॉन जीरो। अगर पॉसिबल है तो हमने ये मान लिया कि एफ सी क्या है? नॉन जीरो। अगर एफ सी नॉन जीरो है तो इसके दो केस बनेंगे, या तो एफ सी क्या होगा? लेस देन जीरो, या फिर एफ सी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अब इन दोनों ही केसेज में मैं देखता हूं कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिलेंगे। तो इसमें अब इसमें फर्स्ट पार्ट इसका मैं अब ले लेता हूं, इफ इफ एफ सी इज लेस देन जीरो, अगर एफ सी लेस देन जीरो है, एंड सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, भाई सी पॉइंट इंटरवल ए बी का ही तो कोई ना कोई पॉइंट है, और इंटरवल पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो निश्चित रूप से सी पॉइंट पर भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा थ्री ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा थ्री सी प्लस डेल्टा थ्री। क्यों लिखा है? वही थ्योरम हमने लगाई, पहले वाली थ्योरम, कि एफ अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तब उस पॉइंट के नेबरहुड में, तो यहां पर पॉइंट क्या है? सी, और सी का नेबरहुड क्या बनेगा? सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, डेल्टा वन डेल्टा टू पहले ही आप ले चुके हो काम में, तो अब मैं डेल्टा थ्री काम में ले रहा हूं। तो सी का जो नेबरहुड बना सी माइनस डेल्टा थ्री सी प्लस डेल्टा थ्री, इसके नेबरहुड में एफ का सी पॉइंट पर, ठीक है, एफ सी का साइन वही होगा जो इसके नेबरहुड के हरेक पॉइंट पर, ठीक है, या इसके नेबरहुड के हरेक पॉइंट पर फंक्शन का साइन वही होगा जो एफ सी पर है।
तो एफ सी क्या है, लेस देन जीरो, इसलिए इस नेबरहुड का कोई भी पॉइंट अगर एक्स में लू तब एफ एक्स भी क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, वही लास्ट वाली थ्योरम हमने काम में ले ली, क्योंकि एफ सी नॉन जीरो है, एफ सी लेस देन जीरो वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं। इस तरह से अपने पास आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा थ्री सी प्लस डेल्टा थ्री, और साथ ही सी सेट एस का क्या है, सुप्रीमम। आल्सो आल्सो सी हमने क्या माना है, सुप्रीमम ऑफ सेट एस, सी इज सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दियर एग्जिस्ट सम पॉइंट डी बिलोंगिंग टू एस सच दैट सी माइनस डेल्टा थ्री इज लेस देन डी इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू सी। ये चीज अपन क्यों लिख रहे हैं भाई, सी सुप्रीम, ये चीज हमारे पास है, ये इंटरवल हमारे पास है क्या, ए बी। ठीक है, ए बी, इस इंटरवल का एक पॉइंट मैंने ले लिया सी, इसका क्या बना दिया, नेबरहुड सी प्लस डेल्टा थ्री, और सी माइनस इधर क्या होगा, सी माइनस डेल्टा थ्री, ये इसका नेबरहुड है। इस नेबरहुड के अंदर एफ एक्स क्या दे रखा है, इस नेबरहुड के अंदर एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो। देखो एफ एक्स इस नेबरहुड के अंदर क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है, तब क्या होगा, एस के जो पॉइंट्स हैं भाई, सी सुप्रीमम है, सी क्या है, सुप्रीमम, तो सी कोई ना कोई पॉइंट डी इस तरह का एग्जिस्ट करेगा सेट एस के अंदर कि वो सी से छोटा होगा, किससे छोटा होगा, सी से तो छोटा होगा, और सी माइनस डेल्टा थ्री, सी माइनस डेल्टा थ्री इससे क्या होगा, बड़ा। ये कोई ना कोई पॉइंट इस इंटरवल के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, या सिंपली आप इस तरह से देख सकते हैं कि भाई सी अगर इसमें लें, ठीक है, इतना कुछ नहीं भी करें आप, ये चीज आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि एक्स में कहां ले रहा हूं, सी माइनस डेल्टा थ्री में, तो ये चीज तो क्लियर है आपको कि भाई सी माइनस डेल्टा थ्री किससे छोटा होगा, सी से छोटा होगा, हो गया या नहीं, सी माइनस डेल्टा थ्री निश्चित रूप से किससे छोटा है, सी से छोटा, तो ये सी माइनस डेल्टा थ्री है, इधर मैं क्या ले रहा हूं, सी ले रहा हूं। तब अगर ये दो पॉइंट्स आप ले रहे हो तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, इन दोनों के बीच में क्या आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, और इसमें कोई ना कोई पॉइंट किसका आएगा, एस का भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एस के पॉइंट्स, भाई दो चीजें हो सकती है कि यहां सी है, इधर तो सी की लेफ्ट साइड चल रही है, इधर सी की राइट साइड चल रही है, अगर एस के सारे पॉइंट सी के इस तरफ आ गए, एस के सारे पॉइंट सी के इस तरफ आ गए, उस केस में क्या होगा, सी तो सुप्रीमम ही नहीं बनेगा, क्योंकि सारे पॉइंट सी से बड़े हो जाएंगे इसके, तब तो सी सुप्रीमम बनना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सेट एस का कोई ना कोई पॉइंट इस तरफ भी होगा, तो अगर उस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, तब डी सी माइनस डेल्टा थ्री और सी के बीच में कहीं ना कहीं ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पॉइंट तो हो गई। ठीक है, तो उस पॉइंट को अपन ने क्या ले लिया, डी ले लिया, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमने लिखा कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट डी बिलोंगिंग टू एस सच दैट सी माइनस डेल्टा थ्री इज लेस देन डी इज लेस देन इक्वल टू सी, इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, सी भी हो सकता है डी, यस, लेकिन सी माइनस डेल्टा थ्री ये एग्जैक्टली, क्योंकि सी माइनस डेल्टा थ्री पर क्या ले रहे हो आप, ओपन इंटरवल ले रहे हो, तो ओपन इंटरवल ले रहे हो, तो इस पॉइंट को हम यहां पर शामिल नहीं कर रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट डी सच दैट डी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, डी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से क्या होगा, अगर डी किसका एलिमेंट है, एस का, दिस इंप्लाइज फंक्शन की वैल्यू डी पर क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अगर डी एस का एलिमेंट है तब एफ डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, एफ डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन आप देखिए यहां से, ये मेरे पास क्या था, सी, इधर क्या है, सी माइनस डेल्टा थ्री, और इस तरफ क्या है, सी प्लस डेल्टा थ्री। हमने ये लिखा है कि भाई यहां से और यहां तक जो इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, और डी हमने कहां लिया है, कहीं इसमें, यहां पर डी ले रहे हैं, तो यानी कि डी पर भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। बट
एफ डी इज लेस देन जीरो। यहां से आप देखें इस वाले रिजल्ट से कि जब भी x आप इस पूरे इंटरवल में ले रहे हैं तब एफ एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इस पॉइंट डी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। तो एक तरफ तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, एक तरफ लेस देन जीरो आ रहा है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा केस मैंने कंसिडर किया था, एफ सी लेस देन जीरो, यानी कि एफ सी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो सो एफ सी इज नॉट लेस देन जीरो। ये केस तो अपना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब सेकंड देखें इसका, सेकंड केस, सेकंड केस, इफ एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एफ सी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर से वही थ्योरम हम अप्लाई करें, देन एफ सी ग्रेटर देन जीरो है और एफ कंटिन्यूअस है, एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, क्योंकि इंटरवल पर कंटिन्यूअस है तो सी पर भी होगा, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा फोर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा फोर और सी प्लस डेल्टा फोर। क्योंकि अगर पॉइंट सी पर साइन पॉजिटिव है तब सी की नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लो, वहां पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहां से क्या लिख सकते हैं अपन कि भाई एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है इस पूरे इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नंबर मैं लूं, ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ये मेरे पास है यहां पर, ये पॉइंट क्या है सी, इस तरफ क्या हो गया सी माइनस डेल्टा फोर, इस तरफ क्या हो गया सी प्लस डेल्टा फोर, सी प्लस डेल्टा फोर, ये हमारे पास आ रहा है। अगर मैं डी कोई भी नंबर यहां पर ले लूं इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, सपोज यहां पर मैंने क्या ले लिया, डी डैश ले लिया, क्या मान लिया, डी डैश, डी डैश अगर यहां पर ले रहे हैं तब एफ की वैल्यू पॉइंट डी डैश पर क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं ये ले लूं, इफ इफ डी डैश, डी डैश बिलोंगिंग टू सी कोमा सी प्लस डेल्टा फोर, बिलोंगिंग टू सी कोमा सी प्लस डेल्टा फोर, देन एफ ऑफ डी डैश इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ डी डैश इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि इस सी माइनस डेल्टा फोर से सी प्लस डेल्टा फोर के अंदर जितने भी एक्स आ रहे हैं वो सारे एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि एफ एक्स किससे बड़े आ रहे हैं, जीरो से बड़े आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ रही है। और साथ ही अगर इस इंटरवल में मैं देखूं यहां पर सी माइनस डेल्टा फोर से सी तक, तो यहां से एफ डी डैश हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। इसको किस तरह से कर सकते हो, देखो अगर एफ सी ग्रेटर देन जीरो है तब हम कह रहे हैं कि भाई एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर, और कोई भी नंबर अगर डी हम इसमें लें, कोई भी नंबर डी अगर हमने इसमें कंसीडर कर लिया तब एफ ऑफ डी डैस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। हाँ देखिए एफ ऑफ डी डैस, ठीक है यहां तक आ गया समझ में, एफ ऑफ डी डैस क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज डी डैस बिलोंगिंग टू एस, अगर एफ डी डैस जीरो से बड़ा है तब डी डैस किसका पॉइंट होगा, एस का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो सारे पॉइंट आ रहे हैं जिनके लिए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और डी डैश आप यहां पर ले रहे हैं, साथ ही डी डैश क्या ले रहे हो आप, डी डैश क्या है, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि सी क्या है, सुप्रीमम, सी क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस, तो क्या और डी डैश सेट एस में एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जो सुप्रीमम से बड़ा है, तो सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, विच इज ठीक है ये, एंड डी डैश इज ग्रेटर देन सी,
दिस इंप्लाइज डी डैश बिलोंगिंग टू, या इस तरह लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज सी इज नॉट सुप्रीमम ऑफ एस, क्योंकि अगर डी डैश सी से बड़ा हो गया, क्योंकि किसी भी सेट में अगर सुप्रीमम से बड़ा पॉइंट मिल रहा है आपको, तो फिर तो ये सुप्रीमम ही नहीं होगा सी, ठीक है, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, जो पूरे सेट के सारे एलिमेंट सी से छोटे आने चाहिए, लेकिन यहां सेट एस का एक एलिमेंट डी डैश ऐसा मिल गया जो सी से भी बड़ा जा रहा है, इसका मतलब सी इस सेट का सुप्रीमम नहीं है, और हम सी को तो सुप्रीमम मानकर चल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर भी क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. हेंस इस केस में क्या आ गया, एफ सी इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो एफ सी ना तो जीरो से छोटा है ना ही जीरो से बड़ा है, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी वी हैव, एफ सी इक्वल टू जीरो, सो एफ सी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो ये अपने पास आ गया, ठीक है, तो यहां से ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि एफ डी डैश अगर ग्रेटर देन जीरो है तब डी डैश एस का एलिमेंट होगा, ठीक है, और डी डैश कहां पर आ रहा है, देखो डी डैश इस इंटरवल में सी माइनस डेल्टा फोर, सी से सी प्लस डेल्टा फोर, इसके अंदर कोई भी पॉइंट मैंने लिया है डी डैश, ठीक है, तो ये इस डी डैश के लिए ये ग्रेटर देन जीरो बनेगा, तो डी डैश किस में आ गया, एस में आ गया, लेकिन सी एस का सुप्रीमम है और डी डैश सी से बड़ा हो रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सेट एस का सुप्रीमम अगर सी है तो सी से बड़ा सेट एस में कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, तो यहां डी डैश सी से बड़ा आ रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, तो यहां दोनों ही केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन मिला, तो एफ सी ना तो जीरो से छोटा होगा ना ही एफ सी जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब एफ सी किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली जीरो के बराबर, ठीक है, तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोलजानो थ्योरम, इसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ए और एफ बी के साइन क्या है, अपोजिट है, यानी कि एफ ए अगर लेस देन जीरो है तब एफ बी ग्रेटर देन जीरो होगा, या एफ ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तब एफ बी लेस देन जीरो होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तब कोई ना कोई पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ सी इक्वल टू किसके होगा, जीरो के, ठीक है, तो इसमें से एक केस के लिए अपन ने प्रूव कर दी थ्योरम, दूसरे केस के लिए आप कह सकते हो कि सिमिलर वे में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो ये बोलजानो थ्योरम का प्रूफ यहां पर कंप्लीट हो रहा है।